Welcome back to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing a poem, A Roadside Stand, written by Robert Frost. और हम लोग रोड साइड स्टैंड जो पोएम का टाइटल है वो किस कैसे जगह को बोलते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. वो हमेशा अपने बैक ऑफ माइंड में रखना पोएम पढ़ते वक्त. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ जितना था वो तो हमने पढ़ा ही, मैंने डिस्कस किया ही. उसके अलावा मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ और एडिशनल शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको दे रहा हूँ. जैसे पिछले वीडियो में मैंने दिया था कि पूरा नाम में एक ली लग गया था, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये आ गया था हमारा नाम में इसका, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. उसके बाद पता चला कि जब वो 11 साल का था तो पिता की मृत्यु हो गई. पिता ने अपने पीछे मात्र $8 छोड़े थे अपने फैमिली के लिए. और फिर 1900 में मदर का डेथ हो गया. उसने इसीलिए वो लिखा हुआ था, वो रेड वाला लाइन दिखाया था ना, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स, लिव अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यही ये लाइन का एग्जाम्पल है वो सब की, जो इसके विपत्ति वाला जीवन जो था, जस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 11 ईयर, जस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 11 ईयर्स इसने विपत्तियों से का सामना करना और उससे लड़ना उस समय से सीखा था. और इसको अपनी छोटी बहन का भी केयर करना पड़ता था, और छोटी बहन भी एज यूजुअल मेंटल डिप्रेशन में जीवन गुजार रही थी. लेकिन मैंने आपको बताया था कि इतना विपत्ति जिंदगी में होते हुए भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिटरेचर के क्षेत्र में जो अचीवमेंट्स हासिल किए वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट्स में शामिल करता है. ऐशो आराम की ज़िंदगी है अगर किसी का कोई राजा का बेटा है, राजकुमार है, और वो कोई पोएम लिख दे रहा है या कोई कहानी लिख रहा है, उसका एक अलग वैल्यू है. लेकिन अपने जीवन में इतनी विपत्तियां झेलने के बाद भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने आप को उठाया, ही रोज हिमसेल्फ. यहाँ पे ये पैराग्राफ जो शुरू कर रहे थे, डिस्पाइट सच अ स्क्राउज, अब ये सॉरी स्काउर्ज, इसका स्पेलिंग देखना, कॉमन वर्ड नहीं है मगर अगर सीख जाओ तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा. स्काउर्ज, डिस्पाइट सच अ स्काउर्ज, जिसका मतलब होता है डिजास्टर, डिस्ट्रेस, विपत्ति, जिसको हम बोल रहे हैं मुसीबत, दैट ब्लाइटेड फ्रॉस्ट. अब ब्लाइटेड का मतलब होता है र्यून करना या स्पॉइल करना, और र्यून और स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना. इतनी सारी विपत्तियां उसके जीवन में आई, उन विपत्तियों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ को क्या कर दिया, र्यून कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. लेकिन इसके बावजूद, डिस्पाइट वर्ड,
लेकिन इसके बावजूद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने आप को ऊपर उठाया. ही रोज टू बी द लिटररी एंड कल्चरल आइकन ऑफ अमेरिका. इतनी विपत्तियां, इतने डिजास्टर्स, इतने इतना जो उसका पूरा लाइफ रियून हो गया था, स्पॉइल हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था. ही वॉज फाइटिंग विथ मेंटल डिप्रेशन ऑलमोस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ. इसके बावजूद उसने अपने आप को ऊपर उठाया और इतना ऊपर उठाया कि वो एक आइकन बन गया. उसने अपने आप को इतना ऊपर उठाया लिटरेचर के क्षेत्र में कि वो पूरी अमेरिका के लिए एक आइकन बन गया. आइकन का दो और वर्ड हम दिए हैं यहाँ, आइडल या मॉडल. इतनी विपत्तियाँ झेलने के बावजूद उसने अपने आप को उठाया और लिटररी एंड कल्चरल आइकन बना पूरे अमेरिका का. पूरे अमेरिका का वो आइडल बना, मॉडल बना, लिटररी एंड कल्चरल आइकन. पर्सनल लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उसका जो ये अचीवमेंट है ना, ये उसको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को खास बनाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है. तो उसने लिटररी एंड कल्चरल आइकन बन गया. वो यहाँ तक उसने अपने आप को उठाया कि वो अमेरिका का लिटररी एंड कल्चरल आइकन बन गया. विनिंग प्राइजेस, बहुत सारे प्राइजेस जीते एंड एक्लेड्स. अब ये एक्लेड्स वर्ड थोड़ा अलग है, और जो लोग 90s में मार्क्स अपना देखना चाहते हैं इंग्लिश में, उन लोगों को लिए ये वर्ड याद करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए और यूज़ करना चाहिए कहीं. एक्लेड्स डबल सी है और मीनिंग सिंपल है. एक्लेड्स का मतलब होता है ऑनर एंड रिकॉग्निशन. ऑनर मतलब सम्मान, इज्जत, और रिकॉग्निशन मतलब पहचान. तो उन्होंने बहुत सारे, एक तो उन्होंने इतनी मुश्किल जिंदगी बिताने के बावजूद, लगभग बर्बाद जिंदगी बिताने के बावजूद, उन्होंने अपने आप को लिटरेचर और कल्चरल के फील्ड में इतना ऊपर उठाए कि वो आइकन बन गए, लिटररी एंड कल्चरल आइकन बन गए ऑफ अमेरिका. बहुत सारे प्राइजेस जीते और एक्लेड्स मतलब कि बहुत इज्जत और बहुत पहचान मिली उनको. एक्लेड्स इन प्लेंटी मतलब बहुत, बहुत ऑनर और बहुत रिकॉग्निशन उन्होंने प्राप्त किया इतने कठिन कठिन जीवन, मतलब पर्सनल जो उनका जीवन बीत रहा था, इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने आइकन भी वो बने, उन्होंने प्राइजेस भी जीते. प्राइजेस में मैंने आपको बताया है पुलित्ज़र प्राइज, 4 times विनर, द ओनली वन. इतना पर्सनली, पर्सनल लाइफ में इतना डिफ़िकल्टी होने के बावजूद, इतना स्काउर्ज होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां उनको वो एक्लेड्स वर्ड की बहुत ऑनर और बहुत रिकॉग्निशन मिली पूरी दुनिया में. He owned the prestigious
पुलित्ज़र प्राइज फॉर लिटरेचर 4 times, ये जो मैंने बताया था 4 बार उन्होंने जीता है पुलित्ज़र प्राइज फॉर लिटरेचर इन पोएट्री, पोएट्री सेक्शन में 4 बार जीता है। ईयर्स मैंने लिखे हैं, ये भी थोड़ा एडिशनल है। एक तो पुलित्ज़र प्राइज जीता है, वो पुलित्ज़र प्राइज के बारे में टेक्स्ट बुक में है, लेकिन कितना बार? 4 times। कब कब? तो ईयर बताया है 1924, 31, 37, 43। 4 बार उनको पुलित्ज़र अवार्ड मिला लिटरेचर इन पोएट्री के लिए। ही ऑल्सो वॉन द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड लेटर्स गोल्ड मेडल। उसके अलावा उन्होंने एक गोल्ड मेडल भी जीता था अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड लेटर्स। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पुलित्ज़र प्राइज और ये गोल्ड मेडल, ये दोनों अगर ये पिक मैं आपको दिखा पाऊँ, पुलित्ज़र प्राइज एंड गोल्ड मेडल। पहले ये देखो, गोल्ड मेडल जो लिखा है ऊपर देख लो, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, ये देखो लिखा है इतना बड़ा बड़ा, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। और उसके बाद उसका गोल्ड मेडल जो जीता था वो ये है, इस तरह का गोल्ड मेडल दोनों साइड का, वो अमेरिकन वाला है। और जो पुलित्ज़र प्राइज हम लोग बोल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, वो है ये है पुलित्ज़र प्राइज, जिसको मिलता है ना, ये मेडल मिलता है उनको। एक साइड का ये है सिक्का का एक मेडल है, तो दोनों तरफ, एक तरफ ये, एक तरफ ये, वहाँ लिखा हुआ है ऑनरिस काउजा, कुछ अदर लैंग्वेज में होगा उसका मीनिंग होगा कुछ। ये पिक रख छपा रहता है और इधर दूसरे साइड में ये रहता है, ये पुलित्ज़र प्राइज का मेडल है। ये मेडल पोएट्री में, पोएट्री के लिए 4 बार जीत चुके हैं। और उन्होंने वो गोल्ड मेडल भी, मैंने तुमको जो दिखाया अमेरिकन वाला, वो गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता है। ये हम लोग अभी नोट्स में देख रहे थे, ये गोल्ड मेडल भी मैंने आपको दिखाया और ये पुलित्ज़र प्राइज जो होता है वो भी मैंने आपको दिखाया पिक में। तो ये इनके अचीवमेंट्स हैं और इनके अचीवमेंट्स का वैल्यू और बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि ये सारे अचीवमेंट्स इन्होंने एक डिस्ट्रॉयड लाइफ, डिस्ट्रॉयड पर्सनल लाइफ होने के बावजूद, बैटलिंग विथ डिप्रेशन थ्रू आउट हिज लाइफ, जीवन भर वो अपने लाइफ में डिप्रेशन से लड़ते रहे। अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखा, छोटी बहन भी डिप्रेशन से लड़ रही थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को इतना ऊपर उठाया लिटरेचर के फील्ड में कि एक तो वो आइकन बन गए, अमेरिकन आइकन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर। बहुत सारा प्राइजेस जीता, सबसे बड़ा उनमें से रैंकिंग में है पुलित्ज़र प्राइज, वो भी 4 बार जीता, एकमात्र व्यक्ति हैं ऐसा करने वाले, रिकॉर्ड है मतलब। फिर एक गोल्ड मेडल भी कोई था अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, इसका गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता था। तो इन्होंने, और एक वर्ड इसी के लिए, एक वर्ड समअप के लिए,
दिए थे एक्लेड्स की इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान और पहचान, ये इनके अचीवमेंट्स थे। उसके बाद कुछ और इनके बारे में जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स लिटररी टैलेंट ब्लॉसम्ड फ्रॉम हिज डेज इन स्कूल। ब्लॉसम्ड वर्ड दिख रहा है, रेड कलर में लिखे हुए हैं, और उस ब्लॉसम का मतलब जनरली है फूल खिलने को ब्लॉसम बोलते हैं, फ्लावर के साथ यूज होता है ये जल्दी, लेकिन यहां यूज किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के टैलेंट के साथ। उसका टैलेंट, लिटरेरी टैलेंट जो था उसके अंदर, साहित्यिक जो उनके उसके अंदर प्रतिभा थी, वो ब्लॉसम्ड हुई, मतलब वो खिल गई, खिलने लगी थी उसके स्कूल के दिनों से ही। लिटरेरी टैलेंट वॉज ब्लॉसम्ड या शार्पेंड या डेवलप्ड, ब्लॉसम्ड सबसे अच्छा वर्ड है, उसके लिटरेरी टैलेंट ब्लॉसम्ड होने लगे थे स्कूल टाइम से ही। ही सोल्ड हिज फर्स्ट पोयम माई बटरफ्लाई एंड एलिजी। इसका फर्स्ट पोयम जो इसने बेचा था, ये भी एक अच्छी जानकारी है इसके बारे में, इनके बारे में। फर्स्ट पोयम जो इन्होंने बेचा था, पोयम का नाम है माई बटरफ्लाई एंड एलिजी। ये पोयम का नाम था माई बटरफ्लाई एंड एलिजी। अब इसमें माई बटरफ्लाई तो तुम जान रहे हो, एलिजी वर्ड जो है वो बहुत लोगों के लिए नया हो सकता है, तो इस एलिजी स्पेलिंग जो लिखा है ना, ई एल ई जी वाई, इसका मतलब इस जगह पर, इस सेंटेंस में और जनरली भी ब्रॉड सेंस में भी एलिजी का मतलब होता है ना शोक मनाना, किसी के दुख में शोक व्यक्त करना। और बहुत सारे बहुत सारे लिटररी पर्सन ऐसे हैं जो कुछ स्टोरी या कोई नॉवल या कोई पोयम, ये लोग किसी के याद में लिखते हैं जो अब नहीं रहा, उसकी याद में लिखते हैं। एलिजी का मतलब कहीं कहीं ना ये भी होता है, क्या बोलते हैं, किसी की मौत पर रोना, किसी की मौत हो गई तो आप जो रोते हैं उसको भी एलिजी बोलते हैं। तो शोक व्यक्त करना किसी के खोने का, किसी के जाने का, किसी अपने के जाने का, माई बटरफ्लाई लिखा है, माई बटरफ्लाई एंड एलिजी। एलिजी एक नेगेटिव सेंस देता है, मतलब सैड सॉन्ग्स, सैड पोएम्स। तो ये इनका पहला पोयम था जो इन्होंने बेचा था। किसको बेचा था? एक मैगजीन को, मैगजीन समझते हो ना, पत्रिका। मैगजीन का नाम न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट। पहला पोयम जो बेचा, वेरी इंपॉर्टेंट, माई बटरफ्लाई एंड एलिजी। किसको बेचा? एक मैगजीन जिसका नाम था न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट। और कितने में बेचा? मात्र मात्र $15 में। आठ याद आ गया, उसके फादर जो छोड़ के गए थे, $8। $15 में उसने अपना ये पोयम बेचा था, फर्स्ट पोयम दैट ही सोल्ड।
तो ये बात अगर कहीं आप यूज़ कर पाएँ, ये पोयम का नाम सबको नहीं पता होगा क्योंकि वो जो इंट्रोडक्शन दिया है टेक्स्ट बुक में अबाउट द पोएट, उसमें ये पोयम नहीं है, उसमें पुलित्ज़र प्राइज़ कब कब जीता ये नहीं है। तो न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट नाम के मैगज़ीन को उन्होंने अपना पहला पोयम बेचा फॉर $15। अब ये $15 पाने के बाद, $15 जब उसको मिला ना पोयम बेचने के बाद, तो उसके बाद लिखता है ही वॉज सो इलेटेड टू गेट दिस मनी। इलेटेड वर्ड हाईलाइट किए हैं, इलेटेड मतलब होता है जैसे हैप्पी, वेरी हैप्पी, खुश होना, बहुत खुश होना, वेरी 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 हैप्पी, एक होता है बहुत 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 खुश होना। तो इलेटेड जो है वो मैक्सिमम खुशी वाला है, ही वॉज सो हैप्पी, मैक्सिमम हैप्पी, ही वॉज सो इलेटेड। जब उसको ये पैसा मिला उसने क्या किया, ही वेंट टू हिज स्वीट हार्ट एलिनॉर टू प्रपोज टू हर एंड प्रेस फॉर अर्ली मैरिज। ये भी एक इंटरेस्टिंग ये है उसके बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। उसने शादी भी की थी एलिनॉर से, यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पूरा नाम, ये पूरा नाम नहीं है, फर्स्ट नेम है एलिनॉर, एलिनॉर जो भी उसको उस ये में पढ़ा जाता होगा। तो जब उसको पहला पोयम बेच करके जो $15 मिले थे वो इतना खुश हो गया था कि वो सीधा चला गया कि कहाँ, अपने स्वीट हार्ट मतलब द गर्ल ही लव्स एंड द गर्ल हु बिकेम हिज वाइफ ऑल्सो। तो अपनी अपने स्वीटहार्ट के पास, एलिनॉर के पास वो चला गया, क्या करने, शादी के लिए प्रपोज करने। और वो प्रेस कर रहा था, प्रेस फॉर अर्ली मैरिज, जल्द से जल्द वो उसको शादी करने के लिए प्रेस कर रहा था। प्रपोज तो किया ही और जल्द से जल्द शादी करने के लिए दबा, मतलब कि उसको बार बार बोल रहा था। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लाइफ से है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।